भाइयों, मैं हूं गैस गिलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी थी न्यू 2024 वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी। गाइज, अगर आप 2024 में ब्रेजा सीएनजी लेना चाहते हो, आपको इस सेगमेंट के अंदर ना कोई सी भी गाड़ी सीएनजी प्रोवाइड नहीं करती, तो आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी के जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इस गाड़ी की अच्छाई हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इस गाड़ी का एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एवरेज टेस्ट और साथ ही में आपको एक ड्राइव रिव्यू मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे इस कार को ड्राइव करते हो, डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। सो गाइज, अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, सारी बातें करने वाले कैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर अच्छी बुराइयां हैं, चार प्रोज और चार साथी में कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। VXI के अंदर बैठा हुआ हूं, तो आपको कुछ इस तरह से इस गाड़ी का इंटीरियर मिल जाता है। VXI के अंदर आपको जो चीज़ें मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप एक ऐसा वेरियंट लेना चाहते हो ब्रेजा CNG का जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, तो ये हो जाता है। कीमत की बात करें 10,65,000 रुपये एक शोरूम हो जाती है और इंदौर के अंदर 12,50,000 रुपये आपको पड़ जाती है कीमत, जो इसका बेस वेरिएंट से स्टार्ट होती है 9,29,000 रुपये और जाती है 12,26,000 रुपये एक शोरूम। अब प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को आपको थोड़ा सा इंजन रेव सुना देता हूं। तो एकदम पंची सा इंजन मिल जाता है। तो सबसे पहले ना इस गाड़ी को क्रॉल करते लो एंड टॉर्क आपको अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आती है नहीं। तो गाइस, सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रो हो जाता है कि यही इकलौती कार है सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको CNG मिल जाती है। अगर आप लेते हो चलते वेन्यू, सोनेट या फिर अगर आपकी टाटा नेक्सॉन हो गई और साथ ही में आपकी ब्रेजा भी हो गई और XUV 3XO को भी आप लेते चलते हो, तो सेगमेंट के अंदर आपको सिर्फ इकलौती कार है ब्रेजा जिसके अंदर आपको CNG मिल जाती है, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब दूसरे प्रो की बात करते हैं, तो दूसरा प्रो हो जाता है इस गाड़ी की एफिशिएंसी। गाइस, अगर आप एफिशिएंसी के वाइज लेते हो चलते हो, तो इस गाड़ी के अंदर आपको सबसे बढ़िया एफिशिएंसी मिल जाएगी CNG है खासकर, तो CNG के अंदर जो आपको एफिशिएंसी ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली, वो आपको मिलने वाली इजीली 25 से 26 KMPL की, मतलब 25-26 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी 1 किलो CNG के अंदर, तो ये आपको बढ़िया सी एफिशिएंसी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप इसको AC ऑन करके चलाते हो तो इजीली ना 1 किलो के अंदर आपकी गाड़ी 25 से 26 चलने वाली है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ना, जो आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब जो आपको मिलने वाली किलोमीटर में, तो समवेयर अराउंड 3 रुपये किलोमीटर की गाड़ी चलने वाली है। अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करते हो या फिर डीजल से कंपेयर करते हो, तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा आपको सस्ती पड़ने वाली है चलने वाइज। तो ये हो जाता है इसका दूसरा कौन, अब बात दूसरा प्रो, अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रो की। तो जो तीसरा प्रो हो जाता है इस गाड़ी का, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, यानी कि मारुति सुजुकी की ये जो कार है ना, मारुति सुजुकी का जो आपको पता है कि कितना लंबा नेटवर्क है इसकी सेल्स एंड सर्विस का, तो ये गाड़ी ना सबसे इजी टू मेंटेन हो जाती है। और सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आती नहीं। आप कहीं पर भी हो इंडिया में, इस गाड़ी के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। इस गाड़ी की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इतना बड़ा नेटवर्क बना के रखा है सुजुकी ने, तो उस चीज़ के अंदर आपको दिक्कत आती है नहीं। क्योंकि तीसरा प्रो ये हो जाता है कि इसकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। चौथे प्रो की बात करते हैं, तो चौथा प्रो हो जाता है इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू और रिलायबिलिटी। अगर आप ना इस गाड़ी को लाखों लाखों किलोमीटर भी चला दो ना, तो इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। बस हाँ, टाइम टू टाइम आप इसकी सर्विस वगैरह कराते रहो, और साथ ही में आपको जो इसकी रीसेल वैल्यू मिलनी है, अगर आप इसको कितने भी किलोमीटर चला दो, जो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू ना, मतलब बायर्स ना खड़े रहते हैं इस गाड़ी को परचेस करने के लिए, तो उस चीज़ में ना इस गाड़ी की बहुत बढ़िया बात हो जाती है, जो बात हो जाती है कि आपको ना रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती है अपनी ब्रेजा की, मतलब मारुति सुजुकी की। हर गाड़ियों की आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है, मारुति सुजुकी की ब्रेजा गाड़ी है इतनी फेमस, तो इसकी भी आपको रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। और साथ ही में आपको ना रिलायबिलिटी जो मिलती है इस इंजन से, वो बहुत बढ़िया मिल जाती है। मतलब ना एक लो मेंटेनेंस कार हो जाती है, कार को मेंटेन करने में आपको मतलब पैसे ना मात्र लगते, बहुत कम से इसके अंदर आपको पैसे लगने वाले हैं। तो गाइस, ये हो जाते हैं इस गाड़ी के चार प्रोस। अब बात करते हैं इसके चार कॉन्स की। तो पहला कॉन हो जाता है, वो हो जाता है ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी ना डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप सेगमेंट में लेते हुए चलते हो ना, तो आपको वेन्यू मिल जाती है, सोनेट मिल जाती है, टाटा नेक्सॉन मिल जाती है, साथ ही में आपकी मिल जाती है XUV 3XO, सबके अंदर आपको डीजल ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये ना सबसे बड़ा कॉन हो जाता है कि सेगमेंट में आपको सारी गाड़ियाँ डीजल प्रोवाइड करती, लेकिन एक मारुति सुजुकी ब्रेजा है जिसके अंदर आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता है। अब दूसरे कौन की बात करते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना लो बूट स्पेस मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास लगेज रहता ही, फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके पास लगेज रहता ही है, लेकिन इस कार के अंदर ना बूट स्पेस बहुत कम है। एफिशिएंसी की वजह से ना यहाँ पर आपको एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि है बूट स्पेस। मतलब ना
एक चीज़ जो मेन खटकती है ना इस गाड़ी के अंदर, बूट स्पेस। अगर वो हो जाती, खैर एफिशिएंसी आपको मिल रही है अगर आपको उससे मैटर नहीं करता बूट स्पेस से, लेकिन जो एक जेन्युइन एक कॉन हो जाता है ना वो है इस गाड़ी का बूट स्पेस। वो आपको इस गाड़ी के अंदर बहुत कम मिल जाता है, समवेयर अराउंड 243 लीटर्स का ही रह जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा कॉन। अब बात करते हैं इसके तीसरे कॉन की। तो इस गाड़ी के अंदर ना वो लैक ऑफ फीचर्स हो जाते हैं, मतलब ना अगर आप सेगमेंट में हर गाड़ी को लेते चलते हो, जैसे नेक्सॉन हो गई और साथ ही में आपकी वेन्यू सोनेट हो गई, तो इन गाड़ियों के अंदर वेन्यू से ही कंपेयर करते हो, वेन्यू के अंदर भी आपको एडास मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको एडास नहीं मिलता, ना ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ना इस गाड़ी के अंदर जो बनाती है इस गाड़ी को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लैग खाती है फीचर्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। जो एडवांस फीचर होने चाहिए ना वो इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं। तो ये हो जाता है इसका तीसरा कौन। अब बात करते हैं इसके लास्ट कौन की, चौथे कौन की। तो चौथा कौन क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जो चौथा कौन हो जाता है ना, अगर आपने इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन चलाया है जो कि 1.5 लीटर का आता है, ये कौन को थोड़ा सा पॉजिटिव भी ले सकते हो कि इकलौती कार है सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड देखते हो तो कोई सी भी कार नहीं है, सबको 1.2 लीटर वगैरह में आपको मिल जाता है, लेकिन 1.5 लीटर में नहीं मिलता है। तो अगर आप 1.5 लीटर से इस गाड़ी को कंपेयर करते हो ना, तो इसके अंदर आपको पावर का लैग फील होना ही है। अभी जैसे एसी ऑन है, दो जने ही बैठे, अगर मैं दबाऊं तो गाड़ी ना मतलब एक पुल तो करती है, लेकिन जो पावर फील होनी चाहिए ना नेचुरली एस्पिरेटेड की, वो आपको इसके अंदर फील होती नहीं। मतलब थोड़ी सी दब कर ही है ना पुल करती है, तो वो चीज़ थोड़ी सी इस गाड़ी के अंदर कमी लगती है अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर करते हो, तो इसके अंदर आपको पावर कम फील होने वाली है। अब बात करिए पावर की, तो जो इसके अंदर आपको मिल जाती है पावर, वो मिल जाती है 86 BHP 121 Nm टॉर्क के साथ। अगर वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करूँ तो उसके अंदर आपको जो पावर मिल जाती है वो मिल जाती है 101 BHP 136 Nm टॉर्क के साथ। सो वो चीज़ें ना आपको फील होने वाली है इस गाड़ी के अंदर, कि अगर आप ज़्यादा इस गाड़ी को पुल वगैरह करते हो तो, अगर आपको जैसे बट ऑब्वियसली डीजल जैसा टॉर्क नहीं मिलता, लेकिन मैं बता रहा हूँ नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर करते हो ना, तो इस गाड़ी के अंदर आपको अगर आप पुल भी करते हो ना, तो जैसे जाती तो वही है जो नेचुरली एस्पिरेटेड का नेचर है कि टॉप स्पीड मतलब RPM उसका 5-6000 तक जाता है, लेकिन वो जो पुल करते हो तो आपको ना फील नहीं आता कि गाड़ी कुछ भयंकर तरीके से भाग रही है। सो गाइस, यही थे इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स। एक बार आप बताना अपने विचार कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस डीलर आयुष को। धन्यवाद।